Welcome to all of you on this lecture on molecular orbital theory. The molecular orbital theory. The valence bond theory fails to answer certain questions like O2 is paramagnetic, why? He2 and Ne2 does not exist, why? Valence bond theory कई क्वेश्चन ऐसे थे जिनके जवाब उससे एक्सप्लेन नहीं हो सके, जैसे O2 इज पैरामैग्नेटिक, He2 Ne2 डज नॉट एग्जिस्ट. देयरफॉर इन 1932 F. Hood and R. S. Mulkin came up with molecular orbital theory to explain questions like the ones above. तो ऊपर दिए हुए इन क्वेश्चन के आंसर आर एस मुलिकिन और एफ हुड ने मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के जरिए 1932 में दिए. वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स बिहेव एज पार्टिकल एज ए वेव. हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का नेचर डुअल होता है, वो पार्टिकल की तरह से भी बिहेव करता है और वेव की तरह से भी. देयर फोर एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाई वेव फंक्शन साई. इसलिए किसी एटॉमिक ऑर्बिटल को, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ का स्पेस होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक पाए जाते हैं, उसे एक वेव फंक्शन साई से रिप्रेजेंट किया जाता है. दैट इज डिराइव फ्रॉम द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव होता है. वी कैन ऑब्टेन द वेव फंक्शंस ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. वेव फंक्शन किसी मॉलिकुलर ऑर्बिटल का एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन से पाया जा सकता है. देर आर सर्टन पॉस्टुलेट्स ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल, जो कि इस तरह से हैं. पहला, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री कम्बाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स. जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी कंपेरेबल हो, करीब करीब बराबर हो, एक दूसरे से मिलते हैं, तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है. सेकेंड, द नंबर ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स. एटॉमिक ऑर्बिटल, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, मॉलिकुलर ऑर्बिटल भी उतने ही बनते हैं. व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टुगेदर, टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड. अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे तो दो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनते हैं. पहला होता है बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, पजेस लोअर एनर्जी देन दैट ऑफ करस्पॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से कम होती है. एंड सेकेंड वन इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ABMO, हैज हायर एनर्जी देन दैट ऑफ करस्पॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल. और दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी करस्पॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से ज़्यादा होती है. फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉलोज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल एंड होम्स रूल. डिफरेंट ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, बेसिक रूल ऑफ बाउ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड रूल से गवर्न होती है. LCAO, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. इफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर ए एंड बी एंड देयर वेव फंक्शंस आर साई ए एंड साई बी, देन. अगर कोई दो एटॉमिक ऑर्बिटल ए और बी लिए जाते हैं और उनके वेव फंक्शन को साई ए और साई बी से डिनोट करते हैं, देन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड बाई एडिशन ऑफ वेव फंक्शन व्हेन द इलेक्ट्रॉनिक वेव्स ओवरलैप इन सेम डायरेक्शन. और क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स को वेव की तरह से कंसीडर किया गया है, तो अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी वेव्स सेम डायरेक्शन में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हैं, तो उनका लीनियर कम्बिनेशन होता है. और एटॉमिक ऑर्बिटल से जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं, उसका नाम है बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल. साई ए बी इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी. साई ए एटॉमिक ऑर्बिटल ए, साई बी एटॉमिक ऑर्बिटल बी, और इन दोनों के सेम डायरेक्शन में ओवरलैपिंग से जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल बन रहा है, उसे कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, और उसे साई ए बी से डिनोट करते हैं. लोअर एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व. इनकी साई ए बी की एनर्जी साई ए और साई बी की एनर्जी से कम होती है. एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाई सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन व्हेन द इलेक्ट्रॉनिक वेव्स ओवरलैप इन अपोजिट डायरेक्शन. जब एटॉमिक ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक वेव्स एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में ओवरलैप करती हैं, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का सब्ट्रैक्शन होता है लीनियर कम्बिनेशन में, और इस तरह से जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनता है, उसे कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, और उसे साई स्टार ए बी से डिनोट करते हैं. और ये सब्ट्रैक्शन से बनता है, इसलिए साई ए माइनस साई बी, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल ए माइनस एटॉमिक ऑर्बिटल बी इज इक्वल टू साई स्टार ए बी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल. पिक्टोरियल
रिप्रेजेंटेशन इस तरह से दिया गया है, एक वेव ये है साई ए, दूसरी वेव ये है साई बी, दोनों के क्रेस्ट और ट्रफ एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज हो रहे हैं, एक साथ ओवरलैप करेंगे सेम डायरेक्शन में, तो जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी उसका एम्पलीट्यूड एटॉमिक ऑर्बिटल के एम्पलीट्यूड से ज़्यादा होगा। इस तरह से जो कम्बिनेशन होता है एटॉमिक ऑर्बिटल का उसे बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। ये बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, और जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल ट्रफ के साथ क्रेस्ट, ट्रफ के साथ क्रेस्ट साई ए और साई बी के बीच में जो ओवरलैपिंग हो रही है वो अपोजिट हो रही है, साई ए का क्रेस्ट और साई बी का ट्रफ, तो इस तरह से जो ओवरलैपिंग होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, इसे कहते हैं साई ए माइनस साई बी, और जब साई और साई बी अपोजिट डायरेक्शन मिलते हैं तो एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं और जो ऑर्बिटल्स बनते हैं उसे कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। एक और रिप्रेजेंटेशन यहाँ दिया हुआ है साई ए प्लस साई बी, दो तरह से सेम डायरेक्शन में अगर मिलते हैं तो ये बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनता है और इसकी एनर्जी इन एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से लोअर है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में मिलते हैं तो इसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल कहते हैं, इसको ऊपर बनाया गया, इसका मतलब इसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से हाई है। एक और रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, एक तरफ एटॉमिक ऑर्बिटल साई ए, दूसरी तरफ एटॉमिक ऑर्बिटल साई बी दिखाया गया है, एक एरो बना करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपवर्ड एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखाया गया है कि साई ए की एनर्जी और साई बी की एनर्जी कंपेरेबल है, और इन दोनों के कम्बिनेशन से बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनता है साई ए बी जिसकी एनर्जी कम है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनता है साई स्टार ए बी जिसकी एनर्जी ज़्यादा है। ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल जो आपस में मिलते हैं तो एक बॉन्डिंग एस सी ऑर्बिटल बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा, क्योंकि एस और एस ऑर्बिटल के एक दूसरे से कम्बिनेशन पर हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनती है, देयरफॉर द बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज डिनोटेड एज सिग्मा एस एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज डिनोटेड एज सिग्मा स्टार एस। पी ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स थ्री होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। पहली बात, जब पी एक्स और पी वाई, पी एक्स आपस में मिलते हैं दो एटम्स के तो सिग्मा बॉन्ड बनती है, सिग्मा बॉन्ड बनने की कंडीशन है हेड ऑन ओवरलैपिंग, तो पी ऑर्बिटल और दूसरा पी ऑर्बिटल एक दूसरे से हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बन गई। जब से एक सिग्मा बॉन्ड बन जाती है उसके बाद जब ओवरलैपिंग होती है तो पाई बॉन्ड बनती है, तो तीन पी एक्स पी वाई और पी जेड होते हैं, अगर पी एक्स सिग्मा में चली गई तो पी वाई और पी जेड पाई बॉन्ड बनाएंगे, और पाई बॉन्ड्स के बीच में जो ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की वो लेटरल ओवरलैपिंग कहलाती है, साइड वेज ओवरलैपिंग कहलाती है। इस तरह से पहली बार जब सिग्मा बनती है तो इसमें एक सिग्मा पी एक्स, सिग्मा स्टार पी एक्स, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, ये सिग्मा स्टार और ये सिग्मा है एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग। इसी तरह से पाई बनेंगे जब तो पाई के दो बनेंगे, पाई वाई पाई स्टार वाई, पाई जेड पाई स्टार जेड। मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनके कॉम्बिनेशन से बनने वाले मॉलिकुलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का एक कम्बिनेशन है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। टोटल नंबर ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है जिनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 20 हो, तो उसके दो सेट बन सकते हैं। पहला सेट है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स 15 या मोर देन 15 हो, तो उसका जो कम्बिनेशन बनता है 1s, 2s, 2px, 2py और 2pz, एक एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरफ दिए हुए हैं, दूसरा इधर दिया हुआ है 1s, 2s, 2px, 2py और 2pz। 1s और 1s जब आपस में कंबाइन होंगे तो एक बॉन्डिंग बनेगा जिसका नाम होगा सिग्मा 1s,
और दूसरा जो एंटी बॉन्डिंग होगा उसका नाम होगा सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा 1s की एनर्जी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से लोअर और सिग्मा स्टार 1s की एनर्जी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से हायर। उसी तरह से जब 2s ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे तो सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s बनेगा। जब 2px, 2py और 2pz दूसरे एटम के 2px, 2py, 2pz से कंबाइन होंगे तो दो सेट बनेगा, एक कहलाएगा सिग्मा का और दूसरा कहलाएगा पाई का। जेड ऑर्बिटल अगर सिग्मा ऑर्बिटल में जा रहा है तो इसका नाम हो जाएगा सिग्मा 2pz। इसकी एनर्जी सबसे कम होगी और सिग्मा 2pz के अगेंस्ट इसका जो एंटी बॉन्डिंग होगा वो होगा सिग्मा स्टार 2pz, उसकी एनर्जी सबसे हायर होगी। बचे हुए एक्स और वाई ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएंगे और उनका नाम पड़ेगा पाई 2px, इसकी एनर्जी कम होगी, और पाई 2py, इसकी एनर्जी 2px के एनर्जी के बराबर होगी। तो ये दोनों की सेम जगह दिखाया गया, इनकी एनर्जी इक्वल होगी। इसके एंटी बॉन्डिंग बनेंगे पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, इनकी एनर्जी भी बराबर होगी मगर एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से हायर होगी। तो ये एक सेट बनकर के तैयार हो गया जिसको कहते हैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स और मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स को उनके एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में नीचे से ऊपर की तरफ अरेंज करके रखा गया है। तो ये टोटल जो एटम मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बने हैं सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2px, पाई 2px, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz, इसे हॉरिजॉन्टली भी अरेंज करके लिखा जाता है एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2px, पाई 2p, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। एक्स वाई जेड पाई ऑर्बिटल में जो px, py और pz हैं इसमें तीनों की एनर्जी इक्वल होती है, इसलिए उन सिग्मा बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी तीनों में सेम होती है। कहीं कहीं एक्स ऑर्बिटल को सिग्मा में लेते हैं तो सिग्मा 2px और सिग्मा स्टार 2px लिखेंगे, कहीं कहीं जेड ऑर्बिटल को सिग्मा में लेते हैं तो सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz लिखेंगे और बचे हुए को पाई में लिखेंगे। दूसरा कॉम्बिनेशन है कि अगर जो डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल है उसके इलेक्ट्रॉन 14 या उससे कम हो तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चेंज ये हो जाता है कि सिग्मा 2px और पाई 2px, पाई 2py की पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है। जब इंटरचेंज होती है तो पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी कम हो गई, सिग्मा 2px की 2pz की एनर्जी ज़्यादा हो गई। इस तरह से एक नया कॉम्बिनेशन बन गया, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, देन पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। ये दोनों ही सेट आपको याद रखना होगा कि 15 या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो कौन सा यूज़ करना है, 14 या उससे कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो कौन सा सेट यूज़ करना है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, बीच में इक्वेलेंस का निशान बनाया, इसका मतलब इन दोनों की एनर्जी सेम है, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, देन सिग्मा स्टार 2pz इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो इसको कहते हैं MO डायग्राम। इसकी बेसिस पर डायटॉमिक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे हम लोग आगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, कुछ और कैलकुलेशंस हैं जिनसे हम बॉन्डिंग की टेंडेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, और कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एन बी माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एन ए। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये हुआ कि ऐसे ऑर्बिटल जिस पर स्टार नहीं बने हैं, वो विदाउट स्टार वाले जितने ऑर्बिटल्स हैं वो बॉन्डिंग कहलाते हैं, और जो स्टार वाले ऑर्बिटल्स हैं वो एंटी बॉन्डिंग कहलाते हैं। तो इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेंगे और फिर उसके दोनों के माइनस करने के बाद उसका हाफ कर देंगे, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर।
बॉन्ड ऑर्डर इज द टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड्स. प्रॉपर्टीज, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की उतनी ही अधिक होगी, यानी बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी जितनी अधिक होगी उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक होगी. स्टेबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी. बॉन्ड ऑर्डर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी. रिएक्टिविटी का रिलेशन स्टेबिलिटी के साथ रेसिप्रोकल है, कि जितना ज़्यादा स्टेबल होगा रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी, जितना अधिक रिएक्टिव होगा स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी. रिएक्टिविटी अधिक है तो स्टेबिलिटी कम है, रिएक्टिविटी कम है तो स्टेबिलिटी अधिक है, उल्टा हो जाता है. सो रिएक्टिविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी. बॉन्ड ऑर्डर इज प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ और साइज, यानी जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ अधिक होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिकुलर साइज या बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज हो रहा है यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स अधिक हो रहे हैं, क्योंकि बॉन्ड्स एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए कंबाइनिंग एटम्स के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, साइज छोटी हो जाएगी. सो विद इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ, विद इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड साइज इज डिक्रीजेस. इफ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब यह हुआ कि दोनों एटम के बीच में बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी जीरो हो गई. जब बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी जीरो हो जाएगी तो वो अलग अलग रहेंगे, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट. फिर दूसरी प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक. डायमैग्नेटिज्म इज जिसका मैग्नेटिक मोमेंटम जीरो हो. मैग्नेटिक मोमेंटम जीरो होने पर जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ज़ीरो हो जाते हैं. तो अगर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूरे एटम में कहीं पर भी एटम इलेक्ट्रॉन सिंगल ना हो तो हम कहेंगे कि ये डायमैग्नेटिक है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो हो जाएगा. मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू, वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़ीरो है तो एन इज इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे, म्यू की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी. पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, अगर किसी भी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ना कुछ होगा पॉजिटिव, जिसके कारण वो पैरामैग्नेटिक कहलाएगा. तो डायमैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म चेक करने का तरीका है कि एटॉमिक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और चेक करेंगे कि किसी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है. अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक. इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग में जिन रूल्स को यूज़ किया जाता है उसमें पहला है ऑफ बाउ प्रिंसिपल. द ऑर्बिटल्स विच हैव द लोएस्ट एनर्जी आर फिल्ड फर्स्ट देन हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. यानी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग से लोअर एनर्जी से शुरू होती है और जैसे जैसे ऑर्बिटल भरते जाते हैं वो नेक्स्ट हायर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इंटर होते हैं. तो स्टार्ट करते हैं सबसे लोअर ऑर्बिटल से और हायर ऑर्बिटल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, दैट इज ऑफ बाउ रूल. पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ईच ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स हैविंग अपोजिट स्पिन. तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वैसे तो है नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स इक्वल, मगर उसका जो कंसीक्वेंस है वो ये है कि किसी भी ऑर्बिटल के जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, हर एटॉमिक ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उन दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन पैरेलल नहीं होगी, ये हमेशा अपोजिट स्पिन में आएंगे. तीसरा है हुंड्स रूल, द ऑर्बिटल्स विद इक्वल एनर्जीज आर नॉट पेयर्ड अप अंटिल दे आर सिंगली ऑक्यूपाइड. यानी दो ऑर्बिटल ऐसे जिनकी एनर्जी बराबर है तो दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे फिर पेयरिंग होगी. जब तक दोनों ऑर्बिटल में, तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते तब तक पेयरिंग नहीं होगी. पेयरिंग तभी होगी जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाए. तो इन तीन रूल्स का यूज़ करते हैं जब
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम और किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। तो हाइड्रोजन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल H2, H2 फॉर्म होता है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। जब H2 बनेगा तो दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हो जाएंगे। एक तरफ एटम लिखते हैं एक हाइड्रोजन, दूसरी तरफ दूसरा एटम लिखते हैं हाइड्रोजन, और बीच में लिखते हैं मॉलिक्यूल H2। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। अभी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा 1s1, ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया। इसी तरह से दूसरा हाइड्रोजन है, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन होगा 1s1। अब टोटल मिलाकर के दो इलेक्ट्रॉन हो गए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी, वन इलेक्ट्रॉन, फिर इसी में आएगा दूसरा इलेक्ट्रॉन, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो आगे बढ़ेंगे। σ1s1, σ1s2, तो टोटल दो इलेक्ट्रॉन से ये फिलअप हो गए। इस तरह से ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया σ1s2, और यही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हो गया। अब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला पढ़ा गया है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन NB माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन NA डिवाइडेड बाई हाफ 1/2 डिवाइडेड बाई 2, तो 1/2 लिख दिया, हाफ NB। ये बॉन्डिंग σ1s जो है बिना स्टार वाला है, दो इलेक्ट्रॉन है इसमें 2। σ*1s एंटी बॉन्डिंग, इसके अंदर स्टार बना है तो ये एंटी बॉन्डिंग है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0। 2 माइनस 0 1/2 इज इक्वल टू, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब ये डायमैग्नेटिक होगा पैरामैग्नेटिक, किसके लिए चेक करते हैं कि जिस ऑर्बिटल में, मॉलिकुलर ऑर्बिटल में, एंटी बॉन्ड एटम के ऑर्बिटल में नहीं देखेंगे, मॉलिकुलर ऑर्बिटल में देखेंगे, जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है वहाँ सिंगल है कि डबल। तो यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है बल्कि डबल इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक। तो इस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल एटम से मॉलिक्यूल का बनना और उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं, डायमैग्नेटिक बिहेवियर कैलकुलेट किया जा सकता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एमओ डायग्राम ऑफ Ne2 मॉलिक्यूल, नियॉन डाईटॉमिक मॉलिक्यूल। Ne एटम जिसके 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, 1s2, 2s2, 2p6। और Ne2 जब होगा तो 10 × 2 इज इक्वल टू 20 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। फिर डायग्राम इसी तरह से बना लिया, और ये जो है 15 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा वाला है, इसलिए इसका जो डायग्राम का अरेंजमेंट है वो ये वाला लिया गया है, σ1s, σ*1s, σ2s, σ*2s, σ2pz, π2px, π2py, π*2px, π*2py और σ*2pz। इस तरफ लेफ्ट साइड में एक एटम बना Ne, राइट साइड में दूसरा एटम बना है Ne, और सेंटर में Ne2 मॉलिकुलर ऑर्बिटल बने हैं। इलेक्ट्रॉन भरेंगे Ne में, पहले 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1s1, 1s2, 2s1, 2s2, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। अगर पहले एरो अपवर्ड है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन की एरो जो होगी वो डाउनवर्ड होगी, अपोजिट डायरेक्शन। 2px1, 2py1, 2pz1, 2px2, 2py2, 2pz2। फिलिंग का यही तरीका है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 10 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे जाएंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरह से भर के देखते हैं नियॉन में, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हुंड्स रूल है, पी के तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल होती है जब तक तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं फिलअप हो जाएंगे, पेयरिंग नहीं होगी। 8, 9, 10, तो ये दोनों नियॉन एटम में 10-10 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए। अब 20 इलेक्ट्रॉन, टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स को इस मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में फिलअप करने हैं नियॉन 2 के, σ1s1, 2,
सिग्मा वन एस टू, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, ये भी हंट्स रूल था, फिफ्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन हंट्स रूल, सेवेंटीन एटीन, अब सबसे ऊपर भरेंगे नाइनटीन ट्वेंटी। इस तरह से टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स का फिलअप हो गया, सिग्मा वन एस टू, सिग्मा स्टार वन एस टू, सिग्मा टू एस टू, सिग्मा स्टार टू एस टू, सिग्मा टू पी जेड टू, पाई टू पी एक्स टू, पाई टू पी वाई टू, पाई स्टार टू पी एक्स टू, पाई स्टार टू पी वाई टू एंड सिग्मा स्टार टू पी जेड टू। जब ये पूरा फिलअप हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू वन बाई टू एन बी माइनस एन ए, एन बी बॉन्डिंग बिना स्टार वाले, टू टू फोर टू सिक्स टू एट टू टेन, टेन हो गया, टेन माइनस टेन स्टार वाले, टू टू फोर टू सिक्स टू एट टू टेन, सो टेन माइनस टेन इज इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर पीछे पढ़ा गया था अभी प्रॉपर्टीज में कि अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़ीरो होगा तो मॉलिक्यूल्स नहीं बन पाएंगे, देयरफॉर मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, इस तरह से एक्सप्लेन हो गया कि एन ई टू मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर इज ज़ीरो। एमओ डायग्राम ऑफ ओ टू मॉलिक्यूल,